पवित्र आत्मा की भक्ति। आरंभिक प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, मेरी समझ को बढ़ा ताकि मैं तेरे आदेशों को जान सकूं। मेरे शत्रुओं के जाल के आगे मेरे हृदय को मजबूत बना। मेरी इच्छाओं को जला। मैंने तेरी आवाज सुनी है और मैं अपना हृदय कठोर करके तेरा विरोध कर ये नहीं कहना चाहता बाद में, कल, फिर कभी, बल्कि कहना चाहता हूं अभी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कल हो ही ना। हे सच्चाई और विवेक का आत्मा, समझ और सलाह देने वाला आत्मा, आनंद और शांति का आत्मा, मैं वही चाहता हूं जो तू चाहता है, क्योंकि वो तू चाहता है, जैसा तू चाहता है, जब भी तू चाहता है। आमीन। विचार। पेंतेकोस्त, वो दिन जब पवित्र आत्मा सभी प्रेरितों पर उतरा। प्रेरित चरित में पेंतेकोस्त के बारे में पढ़कर, वो दिन जब पवित्र आत्मा सभी प्रेरितों और शिष्यों पर उतरा, हम ये जानते हैं कि ईश्वर के इस महान सामर्थ्य के प्रदर्शन में हम भी मौजूद हैं, जिससे कलीसिया का जीवन सभी राष्ट्रों में फैलना आरंभ हुआ। आज्ञाकारिता के द्वारा क्रिस्त ने विजय हासिल की। उनका खुद को क्रूस पर बलि चढ़ा देना और उनका पुनरुत्थान, मृत्यु और पाप पर उनकी विजय अपने संपूर्ण दिव्य वैभव में प्रकट किया गया है। शिष्य, जो प्रभु येसु के पुनरुत्थान के साक्षी थे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए। उनके दिल और दिमाग एक नई ज्योति के लिए खुल गए। उन्होंने क्रिस्त का अनुसरण किया था और उनकी शिक्षाओं पर भरोसा किया था, परंतु वे हमेशा क्रिस्त के शब्दों की गहराई समझ नहीं पाते थे। सच्चाई का वो आत्मा जो उन्हें सब कुछ समझाने वाला था अभी तक नहीं आया था। वे जानते थे कि केवल यीशु ही उन्हें अनंत जीवन की शिक्षा दे सकते हैं और वे उनका अनुसरण करने को तैयार थे और अपना जीवन देने को भी तैयार थे, परंतु वे कमजोर थे और परीक्षा के समय वे यीशु को अकेला छोड़कर भाग गए थे। पेंतेकोस्त के दिन ये सभी बातें पुरानी हो चुकी थी। पवित्र आत्मा जो सामर्थ्य का आत्मा है, उसने उन्हें दृढ़, मजबूत और साहसी बनाया। प्रेरितों के शब्द यरूशलेम की गलियों में गूंज उठे। सभी पुरुष और स्त्रियां जो दुनिया के अलग अलग कोनों से उस शहर में आए थे, उन्होंने उन्हें बड़े अचंभे के साथ सुना। पारथी, मेदी, एलामीती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कंपादुनिया, पोंतुस और एशिया, फुग्रिया और पपफुलिया, मिस्र और कुरेने के निकटवर्ती, लिबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेत और अरब के निवासी, ये सब अपनी अपनी भाषा में उन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते हुए सुन रहे थे। इस चमत्कार के कारण जो उनकी आंखों के सामने हुआ, उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा को सुना। पवित्र आत्मा जो खुद प्रभु के शिष्यों द्वारा कार्य कर रहा था, सुनने वालों के हृदयों को छूता है और वे प्रभु में विश्वास करते हैं। संत लूकस बताते हैं कि संत पेत्रुस के क्रिस्त के पुनरुत्थान के बारे में बोलने और घोषणा करने के बाद उपस्थित लोगों में से कई लोग उनके पास आए और उन्होंने उनसे पूछा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेत्रुस ने उन्हें ये उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि उस दिन लगभग 3,000 लोग कलीसिया में सम्मिलित हो गए। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के पवित्र आगमन की घटना कहीं अकेले या सन्नाटे में घटित नहीं हुई। प्रेरित चरित में शायद ही कोई ऐसा पन्ना है जहां हम उसके बारे में ना पढ़ें, चाहे वो फिर कार्यों में मार्गदर्शन देने की घटना हो या पहले के ईसाई समुदाय के जीवन और कार्यों को सजीव करने की घटना हो। पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर ही संत पेत्रुस ने उपदेश दिया, जिसके कारण
शिष्य विश्वास में दृढ़ बने। उसी आत्मा की उपस्थिति ने गैर यहूदियों की बुलाहट की पुष्टि की। उसी ने साउल और बरनाबस को दूर प्रदेश भेजा, जहां उन्होंने प्रभु यीशु की शिक्षाओं का नया रास्ता खोल दिया। एक शब्द में, उसकी उपस्थिति और सिद्धांत सभी जगह मौजूद है। अंतिम प्रार्थना। हे पवित्र और दिव्य आत्मा, पवित्र कुवारी मरिया की मध्यस्थता द्वारा अपने वरदानों की परिपूर्णता हमारे दिलों में ला। तुझसे सांत्वना और बल पाकर हम तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी सकें और तेरी अपार दया की महिमा करते हुए मर सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमेन।